नमस्कार डीएनएक्स अजब गजब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के आखिरी गांव का रहस्य, जहां आज भी मौजूद है महाभारत काल का पुल। भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनसे कुछ ना कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। एक ऐसा ही गांव उत्तराखंड में भी है जिसे हिंदुस्तान का आखिरी गाँव या उत्तराखंड का आखिरी गाँव कहा जाता है। यह गाँव पवित्र बद्रीनाथ के 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का नाता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश से भी। मान्यता है कि इसी गांव से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। यहां से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी और रोचक बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। इस गांव का नाम है माड़ा, जो करीब 19,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि इस गाँव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माड़ा पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धाम में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को श्राप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहां आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। कहते हैं कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। इस गांव में महाभारत काल का बना हुआ पुल आज भी मौजूद है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग देने से मना कर दिया, जिसके बाद महाबली भीम ने बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया था और अपने लिए रास्ता बनाया था। इसके बाद इस पुल को पार करके पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। इस गांव का संबंध भगवान गणेश से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि महर्षि देवव्यास के कहने पर भगवान गणेश जब महाभारत लिख रहे थे तो उन्हें सरस्वती नदी के बहने की तेज ध्वनि सुनाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से उनके पानी का शोर कम करने को कहा। इसके बावजूद भी सरस्वती नदी का शोर कम नहीं हुआ तो भगवान गणेश जी ने गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखोगी। इसी गांव में व्यास गुफा भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ महर्षि वेद व्यास रहा करते थे। यहीं पर उन्होंने कई वेद और पुराणों की रचना की थी। व्यास गुफा की ऊपरी संरचना को देखकर ऐसा लगता है जैसे ग्रंथ के कई पन्नों को एक के ऊपर एक रखा गया हो, इसी वजह से इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। इसी तरह की रहस्यमयी कहानियां हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।